गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हडल्स गेम के बारे में बात करेंगे। हडल्स आपने भी की हुई है अपनी स्कूल में और आपको भी अच्छे से उसका नॉलेज है कि हडल्स गेम कैसे होती है। रनिंग करते करते बीच में जो हडल्स होते हैं उसके ऊपर जंप करके आपको कूद के आगे रन करना होता है। हडल्स में दो इवेंट होती है, एक तो 110 मीटर और दूसरी होती है 400 मीटर। तो आज हम इंडिया के ऐसे प्लेयर जो इंडियन नेवी के अंदर सेलर है उनके बारे में बात करेंगे। एमपी जाबिर केरला से बिलोंग करते हैं। उनका मौन कहाँ हुआ है? केरला में। 8 जून 1996 के अंदर केरला के वो अंदर बॉर्न हुआ उनका। एमपी जाबिर वो इंडियन नेवी के स्पॉट कोटा के प्लेयर है। हर डिफेंस के अंदर स्पॉट कोटा इवेंट होती है, उसमें जो क्वालिफाइड होते हैं फिर वो डिफेंस से खेलते हैं। तो उनके पीछे टी शर्ट के पीछे इंडिया के साथ इंडियन नेवी भी लगता होता है, डिफेंस भी। तो ये मोहम्मद जाबिर डिफेंस से खेलते हैं। इनका एशियन एथलेटिक्स के अंदर चैम्पियनशिप हुई थी 2017 में, तब इनका ब्रॉन्ज मेडल है। और उसके बाद 2019 के अंदर दोहा के अंदर हुई थी एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 400 मीटर हडल्स, तब भी इनका ब्रॉन्ज मेडल है। और ये टोक्यो ओलंपिक के अंदर इनका क्वालिफाइड हुआ था 2020 में। इनका पार्टिसिपेट टोक्यो ओलंपिक में हो चुका है। ओके, थैंक यू।